वेलकम टू माय चैनल। और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आया क्योंकि जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट, दो पॉइंट पी कुछ इस तरीके से एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है क्यू इस तरीके से, ठीक है ना। और जो भी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए, मतलब एल एम एन, जिनका नाम क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो प्रोजेक्शन किसके बराबर हो जाएगी, प्रोजेक्शन मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर हो जाएगी, बस क्या करना है एल की मल्टीप्लाई किससे कर दो, एक्स एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस है, मतलब जो भी डिफरेंस है कुछ, लेकिन इसका अलग से रिजल्ट प्लस आना चाहिए पॉजिटिव, इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। एल का मतलब है यहां पर कोस अल्फा, ठीक है ना, एम का मतलब कोस बीटा और एन का मतलब था कोस गामा। बस पता होना चाहिए अल्फा है क्या, अल्फा है एंगल बिटवीन जो भी लाइन सेगमेंट हो, जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स का मतलब है लाइन सेगमेंट कौन सी, पी से क्यू, और किस किस के बीच में, अल्फा के केस में एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसी तरीके से बीटा और गामा में, बस वहां पर वाई और जेड एक्सिस आ जाएंगे, फिर प्लस का साइन एल की अब की बार एम आ जाएगा, और वाई एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस है y2 माइनस वाई वन, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि y2 माइनस वाई वन की वैल्यू हो सकता है किसी केस में नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, इस तरीके से मान लो, सीधी सी बात है कि मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर कहो कि y1 माइनस वाई टू ले लो, सीधी सी बात है डिस्टेंस भी पॉजिटिव आए, ये भी पॉजिटिव, और सभी टर्मों का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, तीन टर्म आएंगी कुछ इस तरीके से। और ये तीन टर्म क्यों आती है, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट है वो थ्री डायमेंशन का पॉइंट है, इस वजह से तीन डिस्टेंस है, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालने का कब, जब जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन, अब लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एक हो सकता है, दो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लाइन है जो, अब इस बात का मतलब जैसे अगर प्रोजेक्शन ऑफ यहां पर जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स की बजाय, जैसे हमने लाइन सेगमेंट का पढ़ा था, लाइन सेगमेंट का सीखा था ओनली लाइन, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला जैसे सी डैश डी डैश किसके बराबर था, ए बी कोस थीटा, या फिर कहो कि ज्योमेट्री याद हो तो और अच्छी बात है, इस तरीके से सी डी था, ठीक है ना, ए बी कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ एक रेफरेंस था इस केस में, बस ये काम की बात है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहां पर ज्योमेट्री थी, परपेंडिकुलर था यहां पर, ठीक है ना, और सी डैश डी डैश इस तरीके से, और ये यहां पर था एंगल थीटा, किस किस के बीच में, जो भी लाइन हो, जैसे यहां पर थी एसीबी, किसके बीच में, रेफरेंस लाइन और उस रेफरेंस के बीच में, यहां पर तीन रेफरेंस है, या इस केस में तीन रेफरेंस है, और क्यों होते हैं ये बात भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब जैसे हम मेन पॉइंटों की बात कर रहे थे, अब हम फोर्थ मेन पॉइंट, ठीक है ना, कि जो ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है, अब ये यूज कहां पर होगा, मतलब न्यूमेरिकल में इसका यूज किस तरीके से होता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट का यूज, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन किस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है। और साथ के साथ इसका यूज तो होगा, लेकिन एक और बात है यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक और बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है ये न्यूमेरिकल को आसान बना देगा, सीधी सी बात, जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी किस कंसेप्ट से, इस प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है। और इस बात का प्रूफ, इस फोर्थ पॉइंट का प्रूफ भी चेक करेंगे हम कहां पर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, इस टॉपिक में या फिर इस कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन के हमारे पास तीन चार कंसेप्ट थे, इस वजह से, मतलब कभी था प्रोजेक्शन ऑफ किसी लाइन का, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है, या फिर जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स हो सकता है इस वजह से, ठीक है। और एक और बात है इसी फोर्थ पॉइंट में कि एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका किस कंसेप्ट के हिसाब से, प्रोजेक्शन के हिसाब से, पहली बात तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ यहां पर तीन मेथड होंगे, चॉइस है, कोई भी अप्लाई कर लेना, ठीक है ना, प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, और तीन मेथड होंगे, चॉइस है, कोई भी सिलेक्ट कर लो, मतलब जिसकी भी कैलकुलेशन आसान लगे, ठीक है ना, वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे हमने प्रोजेक्शन कंसेप्ट के बारे में सीखा है, ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी टर्म लिखी हो, कोई भी टर्म लिखी हो, ठीक है ना, कोई भी टर्म कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो, कोई भी आर्टिकल कह सकते हो, ठीक है, उसको सीखने का तरीका, आसान तरीका क्या है, सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म है क्लियर कर लो,
ठीक है ना, आसान लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन किस तरीके से, कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब है सबसे पहले तो परछाई, ठीक है ना, लेकिन परछाई बनती कब है, इसके चार पॉइंट थे, बस इतना सोचा ना हमने मैथ्स के अंदर। मैथ्स को आसान करने का तरीका क्या, सीधी सी बात है, ठीक है ना, आसानी से किस तरीके सीख सकते हैं, बस सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट है वो सबसे पहले बेसिक टर्म क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि पॉइंट क्या होता है, फिर थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है, एक्सिस का मतलब क्या है, इस तरीके से की बेसिक टर्म, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रोजेक्शन क्या होती है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, लेकिन परछाई बनती कब है, तो ये चार पॉइंट वही तो थी कि प्रोजेक्शन बनेगी कब, सही बात है ना, बनेगी कब, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक तो बनेगी या फिर नहीं बनेगी, सेकेंड पॉइंट था ये कब बनती है, सही बात है, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट था कि ये दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी, सही बात है ना, इस बात का मतलब दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी, इस बात का मतलब था कि हमने केस स्टडी किए थे, ठीक है ना, केस सीखे थे प्रोजेक्शन कंसेप्ट के से रिलेटेड, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट लास्ट है कि प्रोजेक्शन होगी कितनी, किसकी अमाउंट या फिर कहो लेंथ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालते कैसे और कितनी होगी, उस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है सीखने का, ठीक है ना, कि किस तरीके से, जैसे प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन वर्ड में हम बार बार एक वर्ड का यूज कर रहे थे, मतलब डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है किसी भी कंसेप्ट का, काम की बात है ये, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए तो फिर भी चलो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है किसी कंसेप्ट का, ठीक है। अब एक बात होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब पढ़ाई करते हैं हम किस लिए करते हैं, डेली लाइफ में यूज हो उसका, पढ़ाई का डेली लाइफ में यूज हो, किस तरीके से यूज हो, अब उसका हमें पता होना चाहिए, इस बात का मतलब कोई भी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ्स की बात करें, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसका सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, कोई भी टर्म हो, कोई भी कंसेप्ट हो, ठीक है, फिर उसका ये मेन पॉइंट है कि उसका यूज भी पता होना चाहिए, कि जैसे प्रोजेक्शन, अब इसका यूज ही ना पता हो, इस बात का मतलब कि सिर्फ याद कर लिया कंसेप्ट, मतलब फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है, और कंसेप्ट का हमें पता नहीं, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं, उस चीज को भी याद रखने का कोई फायदा नहीं जब तक ये बेसिक तरीके की टर्म क्लियर ना हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी कंसेप्ट हो उसका डेली लाइफ में यूज होता है, अब पढ़ाई करते हम, सीधी सी बात है डेली लाइफ के लिए करेंगे, अब डेली लाइफ में यूज होगा, लेकिन हमें वो देखना भी आना चाहिए कि इस तरीके से कोई किसी भी तरीके का एग्जांपल उठा लो, ठीक है ना, किसी भी तरीके का एग्जांपल उठा सकते हो इस बात को समझने के लिए किस तरीके से, जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, कुछ एग्जांपलों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पहला एग्जांपल किस तरीके से, अब एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कर लो जिसको मतलब मैथ्स के बारे में या फिर कहो कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ना पता हो, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ना पता हो, एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है ना, अब एक कॉमन सेंस होती है किस तरीके से, ठीक है ना, जैसे अब जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर पार्क की बात करो, ठीक है ना, कोई भी मतलब इस तरीके की फिगर हो सकती है, ठीक है ना, या फिर मान लो कि रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वेयर हो सकता है, सही बात है, ठीक है ना। अब जैसे वो इस तरीके सोचो कि यहां पर खड़े हैं, ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल सेट कर लो कि यहां पर खड़े हैं हम और इस पॉइंट तक जाना है, सही बात है, इस पॉइंट तक जाना। अब कॉमन सेंस क्या है कि अब सीधी सी बात है यहां से डायरेक्ट चले जाओ, सही बात है ना, यहां से डायरेक्ट चले जाओ, ये तो हुई कॉमन सेंस की बात, मतलब डेली लाइफ की बात हुई, लेकिन इसका यूज कैसे होता है पढ़ाई की टर्म में, सही बात है ना, अब ये भी तो पता होना हमें कि डायरेक्ट पहुंच जाए, ठीक है। अब जैसे एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया था हमने कि जिसको ये पाइथागोरस थ्योरम ना आती हो, सही बात है, इस बात का मतलब अब ऐसे ही हम मान लो उसके पास, उसके सामने एक और केस रख दो, जैसे इस तरीके का केस रखा था, ठीक है ना। अब मान लो उसको कुछ इस तरीके का पैटर्न दो, ठीक है ना, जैसे यहां से उसको कुछ इस तरीके से जाना है, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है ना, और इस पॉइंट तक पहुंचना, वो अब भी यही कहेगा कि इस पॉइंट से डायरेक्ट पहुंच जाओ, सही बात है ना, इस पॉइंट से डायरेक्ट पहुंच जाओ, सही बात है। लेकिन जिसको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होता है, ठीक है ना, उसको अगर कंडीशन की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहां पर होती है, ये चीज है काम की, कोई भी कंसेप्ट हो हमें ये पता होना चाहिए कि वो डेली लाइफ में कंसेप्ट अप्लाई कहां पर होगा, जब तक इस चीज का ही नहीं पता तो उसका भी कोई फायदा नहीं। किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहां पर होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या था, ट्राई वर्ड है तीन, एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके पास तीन एंगल हो,
या फिर कहो तीन साइड, वो चॉइस है, तीन वर्टेक्स को, तीन पॉइंट को, वो चॉइस रहेगी। तीन साइड कहना चाहते हो, तीन लाइन कहना चाहते हो, इस तरीके की टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। और राइट एंगल्ड क्या होता है? राइट एंगल्ड बस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब तीन एंगलों में से। राइट एंगल का मतलब है कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, और 90 डिग्री कुछ इस तरीके से। लेकिन इस केस में थोड़ी ना ये एंगल 90 डिग्री तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, 90 तो यहां तक होता इस तरीके से, तो मतलब 90 से कुछ ज्यादा होगा, सही बात है ना। तो मतलब कोई भी कंसेप्ट हो ये पता होना चाहिए हमें कि अप्लाई कहां पर होगा। एक और बात, कोई भी जैसे पढ़ाई की बात की, अब जैसे ये अप्लाई कहां पर होगी, अब सीधी सी बात है जो लैंग्वेज है या फिर पढ़ाई को, ठीक है ना, अप्लाई कहां पर होती है, डेली लाइफ में ही होगी, इसीलिए पढ़ते हैं। अब ये अप्लाई ही ना करने आते हो ये कंसेप्ट, फिर तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और मेन पॉइंट है कि ये जो कंसेप्ट है जैसे पाइथागोरस थ्योरम, ये भी यूजफुल होते हैं, सही बात है ना। अब जैसे कॉमन सेंस की बात की, अब यहां से डायरेक्ट तो पहुंच जाए, अब ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया था इस केस में कि डायरेक्ट पहुंचना है, सही बात। लेकिन उसे ये थोड़ी ना पता हो, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ना पता हो, फिर उसको इस बारे में भी नहीं पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, और साथ के साथ उसे ये भी नहीं पता होगा कि जो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना, मतलब जो बिगेस्ट साइड होगी, जो हाइपोटेनियस होती है वो बिगेस्ट साइड भी होती है, उसको ये भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। और साथ के साथ ये फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम का कौन सा फॉर्मूला, जैसे जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ये बात तो बिल्कुल सही होती है पाइथागोरस थ्योरम में कि जो हाइपोटेनियस है मतलब परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, अब ये भी पता होना चाहिए कि हमें परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना, और वो बिगेस्ट होगी, सही बात है। इस बात का ये मतलब है कि वो बिगेस्ट तो सही बात है, सही है ना, लेकिन अगर सिर्फ ये तो है स्क्वायर की टर्म में, ये फॉर्मूला स्क्वायर की टर्म में, सही बात है ना। इस बात का मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये लेंथ है 3, ठीक है, और ये लेंथ है 4, तो ये लेंथ कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से, यहां पर अप्लाई कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। लेकिन स्क्वायर जब भी हटेगा, ये बेसिक बात है, ये पता होनी चाहिए, स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस का साइन आएगा, सही बात है, मतलब सिर्फ प्लस 5 होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ है, क्योंकि लेंथ है, या फिर डिस्टेंस को, इस वजह से सिर्फ प्लस 5 माइनस 5 यहां पर रिजेक्ट होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मतलब ये लेंथ होगी 5, सही बात है। तो अब हाइपोटेनियस बिगेस्ट साइड तो है, एक 3 थी, एक 4 है, और एक 5 है, अब 5 सबसे बड़ा, ये हमें पता होना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन क्या ये बात भी होती है कि जो हाइपोटेनियस है वो इस तरीके से होती है कि मतलब 5 इसके, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाइपोटेनियस बिगेस्ट तो हो लेकिन दोनों के सम से भी हो, ये थोड़ी ना कंडीशन होती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई भी एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात की हमने, ठीक है ना। और ये पता होना चाहिए कि वो कंसेप्ट अप्लाई किस तरीके से होता है, साथ के साथ न्यूमेरिकल में उसका यूज, साथ के साथ न्यूमेरिकलों में उसका यूज, और आसानी से कैलकुलेशन किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं, जो यहां पर फोर्थ मेन पॉइंट है वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था पहला एग्जांपल, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एग्जांपल की बात करेंगे जनरल लाइफ में, या फिर कहो कि डेली लाइफ में, कि कोई भी टॉपिक या फिर कंसेप्ट उसका डेली लाइफ में यूज किस तरीके से होता है, हमें इन बातों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।